मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। यूपी के गाजियाबाद में एक एलईडी स्मार्ट टीवी में धमाका हुआ और एक 16 साल के लड़के की मौत हो गई, साथ ही चार अन्य लोग घायल हुए हैं। ये घटना गाजियाबाद के हर्ष विहार की है। घायलों का इलाज दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में चल रहा है। टीवी में हुआ ये धमाका इतना जोरदार था कि घर की दीवार भी टूट गई। परिजनों का कहना है कि जब धमाका हुआ तब उन्हें लगा कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि टीवी ब्लास्ट हुआ है। दो बच्चे उस वक्त टीवी देख रहे थे, जिसमें 16 साल का लड़का ओमेंद्र और उसका दोस्त था। ब्लास्ट होने के बाद ओमेंद्र की मौत हो गई और उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। आज तिला मोड़ थाना क्षेत्र के तुलसी निकेतन चौकी एरिया में हर्ष विहार कस्बे में विस्फोट हुआ, जिसमें कुल चार लोग घायल हुए हैं, जिसमें दो महिलाएं हैं और दो बच्चे हैं। एक बच्चे की स्थिति थोड़ी गंभीर है। इन सभी लोगों को जीटीबी दिल्ली हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। सबका इलाज प्रचलित है। मौके पर जांच पड़ताल से जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि एलईडी टीवी जो घर में लगी हुई थी उसके फटने से विस्फोट हुआ है। बाकी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जाँच की जा रही है।